सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ डाउट क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन है अजय's friend Nikhil has four sons and one daughter. He believes that he produces more sperm with Y chromosomes. Do you agree with suitable reason? Justify whether he is right or wrong in this way. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे द मैन इज Thinking wrong. और वो क्यों? देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के, या फिर 46 क्रोमोसोम्स आप बात कर लें, या तो 46 क्रोमोसोम आप बात कर लेंगे, या फिर 23 पेयर्स के फॉर्म में अगर बात करते हैं तो 23 पेयर्स होते हैं। आप देखिए इसमें 22 पेयर्स किसके होते हैं? ऑटोसोम्स के, ऑटोसोम्स। और जो 23 वाला जो पेयर है, 23 जो एक लास्ट वाला जो पेयर है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ओके स्टूडेंट। अब देखिए, अब बात करते हैं हम मेल की क्रोमोसोम 23 वाली जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, और फीमेल के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, मेल जब भी स्पर्म्स रिलीज करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें 50% पार्ट किसका होता है? एक्स का। 50% पार्ट किसका होता है? एक्स का। और 50% पार्ट किसका होता है? वाई का, वाई क्रोमोसोम्स का। ये 50% होता है और ये 50% होता है। जब भी मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स, जब भी स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें 50% पार्ट किसका होगा? एक्स का, और 50% वाई का। अब देखो, इसी से इसका स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये सोच रहा है ही प्रोड्यूसेस मोर स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम्स। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी मेल प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को, तो उसमें 50% पार्ट एक्स का होगा और 50% वाई का होगा। अब देखिए फीमेल में क्या होता है? 50% और 50%, ये दोनों के दोनों पार्ट किसके होते हैं? एक्स एक्स के। तो इसमें आप 100% बोल सकते हैं कि एक्स एक्स का ही क्रोमोसोम होगा। अब देखिए, जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है? या तो एक्स एक्स के साथ कंबाइन हो जाएगा, या फिर एक्स वाई के साथ कंबाइन हो जाएगा। अब एक चांस इवेंट है, ये क्या है? चांस इवेंट है। इसमें एक्स एक्स के साथ भी हो सकता है, एक्स वाई के साथ भी हो सकता है। तो ये चांस इवेंट है, आप इसमें श्योर नहीं हो सकते कि कब मेल होगा और कब फीमेल होगा, क्योंकि मेल हमेशा 50% एक्स और 50% वाई ये क्रोमोसोम्स रिलीज करेगा। तो इसमें एक्स एक्स होगा तो ये क्या होगा? फीमेल। और एक्स वाई होगा तो ये क्या होगा? मेल। तो इसमें 50% चांस है। ओके, तो आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक तरह का क्या है? चांस इवेंट है। के एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, जनरेशन ऑफ सेक्स सेल एग्स एंड स्पर्म्स अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल। द फीमेल्स ऑलवेज produce eggs with X chromosomes, and the male produce sperms with 50% of X chromosomes and 50% of Y chromosomes. If the sperms with X chromosomes fertilizes eggs with X chromosomes, the resulting zygote XX will be a female. Whereas if the sperms with Y chromosomes fertilizes egg with X chromosome, the resulting zygote XY will be a male. Therefore, in every conception, there is a 50% chance of male and 50% chance of female fetus. Okay student, जैसे मैंने डायग्राम में रिप्रेजेंट करा था, तो उस तरह से भी आप बता सकते हो, और एक्सप्लेनेशन में आप ये भी लिख सकते हो। ओके, हमसे जुड़ने के लिए और टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।